आपने सड़कों पर फर्राटा भरते डिलीवरी बॉय देखे होंगे, आपने दौड़ते भागते डिलीवरी बॉय देखे होंगे। अब आसमान से होगी आपके ऑर्डर की डिलीवरी। अब आपका ऑर्डर गया नहीं कि मिनटों में घर की घंटी बजेगी। ड्रोन वाले डिलीवरी का ये नया फंडा इंडिया के लोगों को रोमांचित करने वाला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब आप स्विगी या जोमैटो से खाना ऑर्डर करें और कुछ देर बाद आपके दरवाजे पर ड्रोन दस्तक दे तो चौंकिएगा नहीं, जल्द ही ये सपना सच होने वाला है। इतना ही नहीं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से आप कोई सामान ऑर्डर करेंगे तो उसे आपके घर पहुंचाने के लिए ड्रोन आ सकता है। ड्रोन से अंतिम छोर तक डिलीवरी के लिए कंपनियां अपनी पूरी तैयारी करने में लगी हैं। लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी जिप इलेक्ट्रिक के मुताबिक ड्रोन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिलीवरी कर रही कंपनी ने ड्रोन से सामान पहुंचाने के लिए 100 ड्रोन के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी अभी पहले फेज में 200 ड्रोन मार्केट में उतारने जा रही है। ये ड्रोन शुरुआत में दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में डिलीवरी करेंगे। 100 ड्रोन डिलीवरी करने वाले ड्रोन डेवलप करती है। कंपनी पहले ही कई ड्रोन तैयार कर चुकी है जिन्हें खास तौर पर डिलीवरी के लिए बनाया गया है। कंपनी की वेबसाइट पर डिलीवरी ड्रोन के 2 मॉडल की जानकारी दी गई है। पहला मॉडल मारुति 2.0 है जो कम दूरी की डिलीवरी यानी 40 किलोमीटर रेंज के लिए है। वही दूसरे ड्रोन एडर्ना की डिलीवरी रेंज 110 किलोमीटर तक है। ये दोनों मॉडल 5 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। जिप इलेक्ट्रिक के मुताबिक अभी डिलीवरी में जितने ड्रोन उतारे जा रहे सभी में स्मार्ट लॉकर लगे होंगे। डिलीवरी मांगने वाले ग्राहक के पास एक OTP आएगा जिसे डालकर स्मार्ट लॉकर को खोला जा सकेगा। इससे डिलीवर हो रहे सामान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ड्रोन से डिलीवरी शुरू होने पर लोगों के समय की भी बचत होगी। ये ड्रोन सिर्फ रिमोट लोकेशन में नहीं बल्कि शहरों के अपार्टमेंट में भी डिलीवरी करेंगे। ये खुद से लोकेशन ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इसके अलावा डिलीवरी ड्रोन में रिमोट ID और डिटेक्ट एंड अवॉइड जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन को रास्ते में किसी उड़ती चीज या किसी बिल्डिंग से टकराने से बचाएगा। अभी ये सुविधा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में शुरू होगी। कंपनी के सामने मुसीबत सकरी गलियों में ड्रोन को ऑपरेट करने में है। ऐसे मोहल्लों में ड्रोन से डिलीवरी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा गलियों में तारों का फैला जाल है। ड्रोन को इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके जरिए उन जगहों पर डिलीवरी की जाएगी जहां पहुंचना कठिन होता है। इससे खाना, दवाइयां और किराने के सामानों की जल्द डिलीवरी हो सकेगी। कंपनी का कहना है कि लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस में ड्रोन शामिल होने के बाद ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। अभी सड़कों पर भारी ट्रैफिक और ड्राइवरों पर बढ़ती निर्भरता की वजह से इसकी स्पीड प्रभावित होती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया था। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर नियमों में कई बदलाव किए गए। नई पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए ड्रोन नियम स्टार्टअप और काम कर रहे युवाओं की काफी मदद करेंगे। जाहिर है अब आप भी नए तरह के रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। दरवाजे पर दस्तक दे रहे ड्रोन अब आपकी खूबसूरत यादों में बसने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।